जबलपुर में छठ पर्व के अवसर पर आधार ताल में महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान आधार ताल तालाब में महाआरती की गई। श्रद्धालु भक्तों ने बताया कि छठ पर्व का महापर्व है, जहां पर सभी लोग तथा भक्ति भाव के साथ एकत्रित होकर पूजा करते हैं। ये छठ पर्व पे इतना बड़ा आयोजन किया गया, कैसा लग रहा? कई सालों से उत्तर प्रदेश सेवा संघ आधार ताल तालाब पे छठ मैया के महान पावन पर्व पर कई सालों से कार्यक्रम करता चला आ रहा है और हम सब लोग आज हमारी ये ताकत है उत्तर प्रदेश सेवा संघ की, इतनी विशाल काय संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता दिल से छठ मैया का पावन त्यौहार सब हम लोग मनाते हैं। जबलपुर संस्कार धानी की सभी माताएं बहने इस तालाब पर आकर के मैया को आराध्य अर्घ्य देती हैं और हम सब लोग संस्कार धानी के सभी भक्त जनों का इसके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी का और सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत बंदन, सभी माताओं बहनों का स्वागत बंदन अभिनंदन। हम उत्तर प्रदेश सेवा संघ का अध्यक्ष बनारसी यादव छठ पर्व पे समस्त लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। शुभकामनाएं पूरे लोगों को शुभकामनाएं और इसमें हमारे सांसद राकेश सिंह जी, पहाड़ी जी, मंत्री लखन घनघोरिया जी, सबका जो आवागमन हुआ उनका भी आभारी हूँ और उनसे अपने मतलब ये इसके लिए शुभकामनाएं उनको भी देता हूँ। इस महान पवित्र पर्व पर आज हर ताल में हजारों श्रद्धालुओं के साथ माननीय सांसद जी सब ने आशीर्वाद प्राप्त किया। छठी मैया सभी मनोकामना पूर्ण करें ऐसी मैं कामना करता हूँ। भगवान सूर्य की आराधना जिनने जो व्रत रखा है उनकी जो मनोकामना है सबकी मनोकामना पूर्ण जय। आज भगवान सूर्य देव की आराधना और छठी मैया के व्रत का बहुत पवित्र दिन है। माताएं बहनें पूरे देश में पवित्रता के साथ एक कठिन व्रत रखती हैं छठी मैया का, भगवान सूर्य देव का, और आज संध्या के समय अर्घ्य देने के लिए जल के किनारे एकत्रित होती हैं, अपने परिवार, अपने शहर, देश की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों को जो छठी मैया की आराधना करते हैं, भगवान सूर्य देवता की आराधना अवसर पर करते हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सूर्य देव और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें, वे सभी समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ें, ये शहर, ये प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। छठ महापर्व की संस्कार धानी वासियों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। इस बार कुछ अलग रंगों के साथ छठी महापर्व हमारे संस्कार धानी में मनाया गया। कारण था, एक तो कोरोना के बाद लोग बहुत अच्छे से कोरोना के समय में नहीं मना पाए थे, उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग 18 से 20 जगह जबलपुर शहर में छठी मैया की पूजा चल रही है। अभी शाम को भी हुई, ग्वारीघाट तिलवारा में पूरी रात चलेगी, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक फिर सारी माताएं बहनें, हमारे भाई लोग, सारे लोग पूजन करेंगे। छठी मैया हम सब पर आशीर्वाद बनाए, संस्कार धानी पर आशीर्वाद बनाए, जिन्होंने भी पूजन किया है, सारी धर्म प्रेमी जितने लोग हैं उन सब के ऊपर मैया का खूब आशीर्वाद बने, सुख शांति समृद्धि उनके परिवार में आवे, खुशहाल रहें वे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, यही कामनाएं, यही शुभकामनाएं। आप सभी को पुनः पुनः ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं।